हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये देखते हैं लिब्रा ऑफ कैल्क में हम मैच फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं और उनका ऑप्टेन मार्क्स मैंने कैलकुलेट किया। ऑप्टेन मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला जैसे आप एक्सेल में लगाते थे वहां पे वैसे ही लगा करके इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है वो है एवरेज, ठीक है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं यहां लिखता हूं एवरेज, ठीक है। अब हम एवरेज कैलकुलेट करके देखेंगे और इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज करके दिखाऊंगा। यहां पर नाम थोड़ा चेंज है, फॉर्मेट पेंटर वहां पे कहते थे, यहां पे क्या कहेंगे, यहां पे कहेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग, ओके, ठीक है। तो अभी हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे यहां पे, इट्स ओके। यहां पर अगर आप टैब दबा के करेंगे तो यहां पर ये एरर आएगी, तो आपको टैब नहीं दबाना है, इज इक्वल टू के बाद लिखिए सीधा सीधा एवरेज, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट लगाइए, इज इक्वल टू एवरेज ए बी ई आर ए जी ई, ठीक है, और शिफ्ट दबा करके लगाइए ब्रैकेट। और देन अब यहां से यहां तक यानी कि सब्जेक्ट वन से लेकर और सब्जेक्ट फाइव तक के सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर डालिए, यानी B2 से लेके V5 तक, B2 से लेके F2 तक ये सेलेक्ट हो चुका है। और यहां पे बंद करके ब्रैकेट को एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर एवरेज भी हमारा कैलकुलेट होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम इसमें ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं, तो ग्रेड भी देख लेते हैं। यहां पे लिखा ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमें इज इक्वल टू इफ लगाना है, वहां पर भी इफ लगाते थे यहां पर भी, ठीक है। अब एवरेज के आधार पर हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, तो पहला वाला एवरेज आप उस पर क्लिक करिए और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 देन कॉमा ए ग्रेड कर देता हूं मैं, ओके कॉमा, यानी नेस्टेड इफ लगा रहे हैं हम, देखिएगा इसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। फिर इफ लगा दिया हमने, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर वही एवरेज सेलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, वहां पे 85 किया था, यहां पे 65 करता हूं, ठीक है। तो कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आएगा, एवरीथिंग इज ओके नाउ। फिर कॉमा देंगे, फिर इफ लगाएंगे और फिर वही पहला वाला एवरेज सेलेक्ट करेंगे हम यहां पे, तो ये एवरेज हमने सेलेक्ट कर लिया H2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार हम 55 करेंगे, ठीक है, कॉमा, ऐसा हो तो सी ग्रेड आ जाए, ठीक है, कॉमा इफ। अब ये लास्ट वाला इफ है क्योंकि लास्ट में इफ में दो कंडीशंस दी जा सकती हैं। फिर इसको सेलेक्ट किया हमने, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 50 कर देंगे, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया है, ध्यान रखिएगा, और यहां पर डी ग्रेड, और इन सभी में से कोई भी कंडीशन ये फॉलो ना करें तो यहां पर आ जाए फेल, एफ ए आई एल ई डी, ओके फेल्ड। इसको क्लोज किया, कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3 4, तो चार ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया तो यहां पे सी ग्रेड आ गया है, देख सकते हैं आप। डबल क्लिक किया तो इन सब का आ जाएगा, ठीक है, इन सब के मार्क्स आ चुके हैं। अब एक चीज और हम यहां पे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर का जो यूज मैंने बताया था वो देखेंगे। इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, यही फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है, तो इस फॉर्मेट को पहले इस पर क्लिक करके मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब इसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है तो यहां से पकड़ते हुए इसके ड्रैग करते हुए चले जाएंगे तो यही फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो जाएगा। इसे हम एमएस एक्सेल में कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, और यहां पर क्या कहेंगे, यहां पे कहेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग, क्या कहेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग, ओके। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। अब हम ये चाहते हैं, ये तो एक छोटा सा हमारे पास डेटा है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो तो वहां पे हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। तो ये तो छोटा सा डेटा है, मैं इसी में करके दिखाता हूं आपको। यहां देखिए इज इक्वल टू, यहां पे हम मैच फॉर्मूला लगाएंगे। मैच फॉर्मूला क्या करेगा, मैच फॉर्मूला हमें रो या कॉलम नंबर खोज करके दे देगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैच लगाया हमने, MATCS मैच, ठीक है, और यहां पर मैच कह रहा है सर्च क्रिटेरियन, तो क्राइटेरिया हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे सपोज कीजिए हम रितेश को खोजना चाहते हैं, रितेश नाम का कोई नेम होगा जो इसी में कहीं मिलेगा हमें, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, रितेश नाम कहां मिलेगा हमें, इसी कहीं टाइटल में कहीं मिल जाएगा हमें रितेश नाम, ठीक है। F4 दबा के फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे, अब यहां जीरो देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद क्या देंगे, जीरो देंगे, तो अभी इसको हम एब्सोल्यूट कर रहे हैं, F4 दबा के इसको एब्सोल्यूट करेंगे हम, अब यहां पे कॉमा देंगे, जीरो देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ये हमें रो नंबर बताता है या नहीं, इंटरफेस करता हूं और ये रो नंबर 6 बता रहा है। देखिए काउंट करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6, दैट इज राइट राइट आंसर कि ये रो नंबर 6 है। अच्छा अब कॉलम नंबर फाइंड करते हैं, यहां पे इज इक्वल टू मैच MATCH मैच लगाया हमने, और यहां पर क्या करेंगे, अब सपोज कीजिए हमें ऑब्टेन मार्क्स खोजना है और ये कॉलम है, आप तो देख सकते हैं ये ABCD जो होता है ये कॉलम होता है, यानी कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है, ये रो है, तो ये रो होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैच फार्मूला लगाएंगे। अब यहां पे मैच हम किसको खोजना चाहते हैं, ऑब्टेन मार्क्स को, तो ये ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट किया हमने और ये ऑब्टेन मार्क्स यहीं पे कहीं हमें ऊपर कॉलम में मिलेगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से, ठीक है, इट्स ओके। अब यहां पे F4 दबा के इसको करेंगे फिक्स, कॉमा देंगे, ठीक है, अब जीरो देंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहते हैं हम, इसीलिए जीरो देंगे और एंटर प्रेस जैसे ही करेंगे तो हमें ये ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम नंबर बता देगा, तो ये 7 है। तो आइए देखते हैं 7 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इट्स करेक्ट। अब सपोज कीजिए कि हमें रितेश का नहीं देखना था, किसी और का देखना था, तो कैसे इसको हम करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे क्लिक किया हमने और ये नाम हमें नहीं चाहिए, रितेश नाम नहीं चाहिए, यहां पे जब डबल क्लिक करके मैं रितेश नाम हटा देता हूं, कुछ और नाम लिख देता हूं, जिसे बासु लिख देता हूं या कुछ और लिख देता हूं, जो नाम इसमें मौजूद होगा इस वाले टेबल में, यानी कि ए यहां पे स्टूडेंट नेम में, नेम ऑफ स्टूडेंट में जो नाम मौजूद होंगे उन्हीं को हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बासु का कॉलम नंबर बताएगा और ऑब्टेन मार्क्स बताएगा कि इन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। एंटर जैसे ही प्रेस करता हूं तो ये ऑब्टेन मार्क्स वाला कॉलम बता रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉलम नंबर 10 है बासु का। तो आइए देखते हैं कॉलम नंबर 10 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है कॉलम नंबर, और यहां पे ये 7 बता रहा है, ऑब्टेन मार्क्स वाला कॉलम क्या है, 7 है, तो 7 तो है ही है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज 7 आल्सो। सो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि मैच फार्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैच फार्मूला का यूज करके हम किस प्रकार से डेटा को फेच करवा सकते हैं, मैच फॉर्मूला यूज करेंगे और vlookup भी साथ में यूज करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग एक्सेल में करते थे। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखते हैं कि vlookup का यूज कैसे करेंगे मैच फॉर्मूला के साथ। तो यहां पे लिखा मैंने vlookup यानी वर्टिकल लुकअप, ठीक है, वर्टिकली ये लुकअप करेगा, तो vlookup लगा दिया हमने। अब vlookup करेगा क्या, ये कह रहा है सर्च क्राइटेरिया, तो ये देखिए जो जिस चीज को भी फाइंड करना चाहते हैं आप उस चीज को आपको यहां रखना होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम फाइंड करना चाहते हैं बासु के मार्क्स को, ठीक है, तो यहां पे हमने ले लिया इसको, कॉमा दिया, ठीक है, और कहां से फाइंड करना चाहते हैं, इसी पूरे टेबल से हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, F4 दबा के फिक्स किया यानी फ्रिज किया इसको, कॉमा दिया। अब यहां पे मैच फार्मूला लगाते हैं, यानी कि दो फार्मूले एक साथ हम यूज करने वाले हैं, तो यहां मैच फार्मूला भी लगा लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब सपोज कीजिए बासु का नंबर हमें देखना है, तो यहां पे सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा दिया, अब बासु कहां मिलेगा, ये नाम बासु कहां मिलेगा, तो यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम में ही मिलेगा, तो यहां पे ये नेम पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा नेम ये सेलेक्ट कर लीजिए आप, सेलेक्ट हो गया। इसको भी फ्रिज कीजिए F4 दबा करके, ये फ्रिज हो जाएगा, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है, और यहां पर हम देखना चाहते हैं बासु का मार्क्स, तो बासु को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, ठीक है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, F4 दबा के फिक्स किया, कॉमा दिया, मैच लगाया, और अब बासु का हम ऑप्टेन मार्क्स देखना चाहते हैं, ठीक है, कॉमा दिया, और ये ऑप्टेन मार्क्स इसी ऊपर कहीं कॉलम्स में मिल जाएगा हमें, तो ये हमने कर लिया, F4 दबा के फिक्स किया, कॉमा दिया, जीरो दिया, और यहां पर कॉमा देके जीरो देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए यहां पे बासु का ऑप्टेन मार्क्स आ चुका है। आइए देखते हैं बासु का ऑप्टेन मार्क्स सही हमें मिला है या नहीं मिला है, तो ये बासु है, ऑप्टेन मार्क्स इनका कहां मिलेगा हमें, यहां पे मिलेगा, तो आइए देख लेते हैं बासु का ये ऑप्टेन मार्क्स है,
तो यहां पे देखते हैं 81189, तो यहां पे भी 189 आया हुआ है, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमने बासु लिया हुआ है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसमें एक फायदा, सेल रेफरेंस यूज करने का एक फायदा होता है। जैसे इज इक्वल टू vlookup हमने लगा दिया था, vlookup, ठीक है, और vlookup लगाने के बाद यहां पर हमने बासु को सेलेक्ट किया था, बासु को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, ठीक है, बासु कहां मिलेगा, यहां कहीं मिल जाएगा हमें, इट्स ओके okay. और F4 दबा के इसको फ्रीज कर दीजिए। अब मैच लगाइए, MATCS मैच, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब मैच तो हो गया हमारा, अब हम ऑब्टेन मार्क्स जानना चाहते हैं बासु का कि कितना है, ठीक है, तो यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक किया हमने, ऑब्टेन मार्क्स क्लिक कर लिया, कॉमा देंगे, ऑब्टेन मार्क्स कहां मिलेगा हमें, ऑब्टेन मार्क्स यहां कहीं मिलेगा ऊपर, ठीक है, इसी ऊपर वाले कॉलम्स में कहीं मिल जाएगा हमें ऑब्टेन मार्क्स, तो ये हमने ले लिया, F4 दबा के फ्रिज किया, इसको कॉमा दिया, जीरो दिया, ठीक है, ये मैच फार्मूला पूरा हुआ। अब vlookup का फार्मूला जीरो देकर के ब्रैकेट बन करके इसको भी पूरा करते हैं, और यहां पे देखिए जो बासु का ऑब्टेन मार्क्स है वो आ चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमें बासु का नहीं देखना था, किसी और का देखना था, तो यहां बासु नाम जो है इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, अब यहां एनए आ गया, नॉट एप्लीकेबल, अब यहां मैं मोहन रख देता हूं, ठीक है, तो मोहन का ऑब्टेन मार्क्स ये बता देगा अपने आप, यही तो फायदा है vlookup फार्मूले का। यहां देखिए मोहन के ऑब्टेन मार्क्स हैं 227, यानी 227 है, आइए देखते हैं, ये मोहन वाला कॉलम है, यहां देखिए 227 आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए ऑब्टेन मार्क्स नहीं देखना था, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स देखना था, तो यहां से पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट 5 का मार्क्स देखना है, तो मैं इसी सब्जेक्ट 5 को कॉपी करके और यहां लिख देता हूं, ठीक है, आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं, तो यहां 22 मार्क्स है, 22 मार्क्स है सब्जेक्ट 5 में मोहन के, आप देख सकते हैं, देखिए ये सब्जेक्ट 5 में मोहन के 22 मार्क्स हैं। इस प्रकार से करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। एक चीज और, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीटें दिखती हैं, यहां पर कितनी सीट दिख रही है, एक सीट दिख रही है बाय डिफॉल्ट, सीटें तो और भी हो जाएंगी लेकिन बाय डिफॉल्ट एक सीट दिखती है, ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।